प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि भाजपा सरकार दुर्भावना से काम नहीं करती। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मामले कानून अपना काम कर रहा है। चार दिवसीय श्री श्याम कार्तिक मेला महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने पहुंचे विपुल गोयल ने पत्रकारों से बातचीत की। महोत्सव का शुभारंभ उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने किया। न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। भगवान श्री श्याम बाबा जिनको कामाख्या देवी का वरदान था, जिनको यह वरदान था कि दो ही मानों से तीनों लोगों को समाप्त कर सकते हैं, जिनकी कृपा से आज पूरा ब्रह्मांड थमा हुआ है। श्याम मंदिर का, श्याम खाटू जी का वार्षिक उत्सव चार दिन का होता है, उसकी शुरुआत थी, तो उसमें महामहिम प्रोफेसर गणेश लाल जी के साथ मुझे भी पूरी टीम ने आमंत्रित किया था। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि इस शुभ कार्य में उन्होंने मुझे भी आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया। आज फुटवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का तो शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी स्वयं करेंगे, मैं भी वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी सौगात जो फुटवेयर इंडस्ट्री को माने मनोहर लाल जी देने जा रहे हैं, एक विश्व का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क खरखौदा के अंदर हम लोग जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि हरियाणा के अंदर फुटवेयर इंडस्ट्री विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी। उसमें 900 से ज़्यादा यूनिट वहाँ पर स्थापित होंगे। प्रदेश में राजनीति बड़ी सरगर्म है, एक परिवार है जिसमें काफ़ी टूट हुई है। ये वो उनकी पारिवारिक लड़ाई है, और मैं तो कभी इस तरीके की व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं मानता है। घरों के अंदर, भाइयों के अंदर बंटवारे होते रहते हैं, लेकिन पार्टियां जो कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलती हैं, वहां पर इस तरीके का होना कोई अच्छा संकेत तो नहीं है। बाकी उनका आंतरिक मामला है, हम इसमें कुछ बोलना नहीं चाहते। और गठबंधन किस बात का, पूर्ण बहुमत में सरकार है, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दोबारा पूर्ण बहुमत के अंदर सरकार बनाएंगे। कोई किसी तरीके का गठबंधन हम क्यों करेंगे, वो लोग देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्टेटमेंट दे चुके हैं, कानून अपना काम कर रहा है। कोई किसी व्यक्ति विशेष के साथ किसी दुर्भावनापूर्ण नियत से कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं कर रही। एक लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे? नहीं, अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है, लेकिन लोकसभा के अंदर पूर्ण बहुमत से 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गया। चुनाव के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? मैं कह रहा हूँ ना, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता नहीं है, कार्यकर्ता, हमेशा रोड पे रहते हैं और हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार है, चुनाव के लिए हमेशा तैयार है।